अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं राशिद अपडेट्स। वेलकम टू राशिद अपडेट्स। खुबरू अदाकारा सबा कमर ने इंकशाफ किया है कि अगर अदाकार एहसन खान शादीशुदा ना होते तो वो उनसे शादी कर लेती, क्योंकि वो उन्हें अदाकारा बनने से कबल ही बेहद पसंद करती थी, लेकिन शादी के लिए प्रपोज करने में उन्हें देर हो गई। सबा कमर ने यह इंकशाफ एहसन खान के अपने यूट्यूब पॉडकास्ट में किया। 15 नवंबर को एहसन खान ने एक पॉडकास्ट शेयर की, जिसमें दोनों अदाकार एक दूसरे से हंसी मजाक के अलावा रोज़मर्रा की बातें शेयर कर रहे थे। पॉडकास्ट के दौरान एहसन खान ने सबा कमर से सवाल पूछा कि किसी ऐसे हीरो का नाम बताएं जो शादीशुदा ना होता और आप भी किसी के साथ तल्लक में ना होती और आप उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर लेती। सबा कमर ने फौरन एहसन खान की तरफ इशारा किया और कहा कि जब मैं अदाकारा नहीं थी तो मैंने कहीं से एहसन खान का नंबर ले लिया था और उन्हें मैसेजेस और कॉल्स करती थी कि मुझे उनके साथ सिर्फ एक बार काम करना है। सबा कमर ने कहा कि इस बात का पहली बार एतराफ़ कर रही हैं। उन्होंने हंसते हुए बताया कि जब मैंने एहसन के साथ काम किया तो उन्होंने मुझसे लड़ाई की और मैं रोना शुरू हो गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनकी समझ में आने लगी। सबा कमर ने बताया कि मुझे फिर उनसे प्यार हो गया और जब उनसे अपने जज्बात का इजहार करना था तो एहसन खान की ज़िंदगी में बाबी आ गई और मुझे देर हो गई। इस दौरान एहसन खान ने कहा कि मैं समझता रहा कि सबा कमर का कहीं और रिश्ता हो चुका है या वो लव मैरिज नहीं करेंगी, जिसके जवाब में सबा कमर ने कहा कि जब लड़कियाँ बोलती नहीं कि नहीं करूँगी तो उसका मतलब है वो करेंगी। सबा कमर ने कहा कि उन्होंने एहसन खान की खातर अंदरूनी सन जाकर एक फिल्म भी की जो वो कभी किसी के लिए न करती थी। याद रहे कि एहसन खान की फातिमा के साथ शादी 2008 में हुई थी। अदाकार अब दो बेटे और दो बेटियों के बाप बन गए हैं। दूसरी जन्म सबा कमर ने भी हाल ही में मोहब्बत में गिरफ्तार होने का इंकशाफ किया था कि लेकिन उन्होंने इस शख्स का नाम नहीं बताया कि वो किसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। अदाकारा ने मेज़बान इमरान अशरफ के प्रोग्राम मजाक रात में शिरकत की थी। प्रोग्राम के दौरान मेज़बान इमरान अशरफ ने सवाल पूछा कि सुना है कि आपके घर के बाहर फूलों का रश होता है और आप जानती नहीं कि ये फूल किसने रखे हैं, जिस पर सबा कमर ने शर्मिले अंदाज में जवाब दिया कि प्यार करने वाला। उन्होंने कहा था कि फूल प्यार करने वाले देते हैं, मुझे प्यार भी बहुत मिला है और प्यार करने वाले भी, लेकिन एक इंसान है जो हर प्यार पर बारी है।